जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है CISF की तरफ से। CISF ने हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और ट्रेड्समैन का आंसर की जारी कर दिया। जितने भी अभ्यर्थी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और CISF हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर परीक्षा में शामिल हुए थे, वह सभी उम्मीदवार अपने आंसर की आसानी से चेक कर पाएंगे। कैसे और कहाँ से अपने आंसर की चेक करना होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि किसी भी इंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पर सर्च कर लेना होगा। ऑल जॉब्स फॉर जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके शॉर्ट नोटिस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा CISF हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और ट्रेड्समैन। तो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल अगर आपने अप्लाई किया था, परीक्षा में शामिल हुए थे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको ट्रेड्समैन वाला चेक करके आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके शॉर्ट नोटिस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने पर CISF ट्रेड्समैन आंसर की 2023 आउट देखने को मिलेगा। डाउनलोड ऑल शिफ्ट और नीचे आने के बाद और जानकारी आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि आंसर की आज रिलीज किया गया 3 नवंबर 2023 को, और आंसर की चेक करने के लिए आपको आना होगा। नीचे आने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक एरिया में आपको देखने को मिलेगा आंसर की क्या डाउनलोड PDF। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना होगा, और ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिल करके और सिंपली लॉग इन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सारी डिटेल्स फिल करता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लिया, सिंपली लॉग इन पर मैं क्लिक करूँगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो आईडी है लॉगिन होकर ओपन हो जाएगा। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद आंसर की चेक करने के लिए अगर आप फोन में ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑल पर क्लिक करना होगा। जो आपको यहाँ पे ऑल दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और भी ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर्सनल डिटेल्स है, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा, मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शन रिस्पॉन्स का आपको ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद टू डाउनलोड योर रिस्पॉन्स शीट, यहाँ पे आंसर की है आपका 30 और 31 अक्टूबर 2023 आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको क्लिक हेयर के सामने, हेयर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप हेयर पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, जो आप यहाँ से चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद और भी जानकारी आप आसानी से चेक कर लेंगे, और जो ये डिटेल्स है मैं हाइड कर लूँगा अपने सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा डाल दिया था डिटेल्स, तो यहाँ पे CISF SI स्टेनो का आ गया, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मिल रहा होगा। तो कोई बात नहीं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कब कब एग्ज़ाम हुआ था सारी जानकारी चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जैसे आपने सेलेक्ट किया है 3 और इसका सही क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर है 3, आपने सेलेक्ट करा है 3 और यहाँ पे भी 3 सही है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है सही है। उसके आपका इसका आंसर 1 आपने 1 सेलेक्ट किया, ये भी सही है। इसका आंसर है 1 और आपने 1 यहाँ पे चूज किया है, और यहाँ पे ये सब सही दिखा रहा है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे एक गलत है, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका सही आंसर है यहाँ पे 2 और आपने जो चूज किया है यहाँ पे चूज ऑप्शन 1, तो ये आपका गलत हो गया है, जैसे आपको देखने को मिल जाए। ऐसे ही आकर के अपना आंसर की चेक कर लें, और भी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।